हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया है स्किल इन एक्शन। आज हम सेट हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी हुआ है सेट, उसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि किन किन सब्जेक्ट पे लास्ट डेट कब है। तो देखिए, चलिए चलते हैं, पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि स्किल डायरेक्शन पर पीएचडी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पिछले एक महीने में स्किल डायरेक्शन ने 70 यूनिवर्सिटियों के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन पर ऑन टाइम वीडियो बनाया है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्किल डायरेक्शन। एडवर्टीजमेंट 10-18 अक्टूबर को जारी हो गया है ये, और जो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, लास्ट डेट क्लोजिंग डेट है 17 नवंबर तक है। यह है 11 बज के उस दिन तक है, आपको देख सकते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर फी जो है 17 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 11 बजे रात तक, 11:59 तक, यानी 12:01 पहले तक, ठीक है। ये डेट अब जो इशू हुआ है ये 21/10 को हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको यहाँ पे अप्लाई करने का ये ऑप्शन देता है, और यहाँ पे आप इस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट टू फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट, ऑनलाइन मोड में आप एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पोर्टल है, यहाँ पर जाके आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो डाउनलोड थी करके टाइप करके गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको किस तरह से सेट के लिए अप्लाई करना है, अनऑथराइज और अनथी करके पूरा करके आपको करना होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये सब अप्लाई करने का है तो बेसिक है, तो अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो 2023 का है ये सेट एग्ज़ाम 2023 का होगा। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट का बात करें तो देखिए कि आपको यहाँ पे केमिकल साइंस है, इंग्लिश है, लाइफ साइंस है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिकल साइंस है, म्यूजिक है, फिजिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट साइंस है, ह्यूमन साइंस है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए ऑन रिजर्व लोगों के लिए, टीचर कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री में आपके तो आप एलिजिबल है। ST ST के लिए 5% का जो छूट मिलता है यहाँ पे मिलेगा, और किसके लिए मिलेगा यदि लिखा है द शेड्यूल कास्ट SC ऑफ HP हिमाचल प्रदेश, शेड्यूल ट्राइब जो होंगे हिमाचल प्रदेश, बैकवर्ड क्लास भी हिमाचल प्रदेश के होंगे पर्सन, उनको आपको छूट मिलेगा। और हु इज सिक्योर एटलीस्ट 55 मार्क्स, 50% मार्क्स आपको होना चाहिए यहाँ पे। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो छूट मिलेगा वो हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए, SC ST चाहे OBC कैंडिडेट हो, उन्हीं को यहाँ पे लाभ मिलेगा। यहाँ पे कैंडिडेट परस्यूइंग मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट कोर्स कैंडिडेट आर अपीयर द हो सकते हैं, जो मास्टर डिग्री में इक्विवेलेंट है और अपीयर हैं, वो भी लास्ट डेट है चल रहा है वो तो हो सकते हैं। डिजरेबल क्वालिफिकेशन नील है यहाँ पर, कंडीशन ऑफ द एलिजिबिलिटी जो है आपको 55% मार्क्स जो है वो होना चाहिए, मैंने पहले बता दिया, पूरा डिग्री है, नॉन क्रीमिलियर लेयर के पे ही OBC के लिए भी लागू होगा। और 50 मास्टर डिग्री 91 के 19 सितंबर 1991 के बाद का होना चाहिए। ये हो गया एग्जामिनेशन स्टेशन सिटी जो है आपको कहाँ देना होगा, बिलासपुर में है, चकमा है, और हमीरपुर है, कांगड़ा है, धर्मशाला है, कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, नाहन है, सलोन है, ऊना है। इन सेंटर पर जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्जामिशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर तो नीट सेट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबल कंडीशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एन अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, उसके लिए किया जाता है। सेट फॉर कैंडिडेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर सेट जो है UGC एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर पीरियड 1 जून 2002 से है, एग्जामिशन फॉर द नेट से है, वो ये दिया है जून 2002 तक का है।
और शेड्यूल पैटर्न जो है आपको यहाँ पर दे दिया गया है। 100 नंबर का क्वेश्चन मार्क्स होंगे आपको, और 100 मार्क्स के नंबर क्वेश्चन 50 होंगे। फर्स्ट सेशन में आपको द क्वेश्चन विल बी ऑन द जनरल नेचर इंडिकेट, जो UGC नेट का फर्स्ट पेपर है उसके अनुसार होगा, MCQ बेस होगा और एक घंटे का रहेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है। और कंसर्न सब्जेक्ट का होगा 200 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चन होगा, सेकेंड होगा, ये 2 आवर्स का होगा। रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा सिलेबस, और टेस्ट जो दिया हुआ है वेबसाइट पर देख लीजिए। हम कहेंगे कि आप अगर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के अनुसार आप यहाँ पे तैयारी कीजिए, करते रहिए। आप ना UGC नेट भी अप्लाई करिए और ये भी अप्लाई कर दीजिए, दोनों कर दीजिए, एक में निकल जाएगा तब भी आपका कहीं पर चल जाएगा यहाँ पे। और इसे नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि आपका नेट निकल गया है, सेट निकल गया है, तो नेट भी निकल जाएगा। इस तरह से दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्यों एग्ज़ाम दीजिए उसके बाद दे दीजिए, क्यों तुरंत इसके लिए स्पेशल अलग से तैयारी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो इंग्लिश और हिंदी में होंगे, तब भी आपको दिक्कत नहीं है, दो लैंग्वेज में होंगे। और इन केस ऑफ एनी एबिलिटी टू ट्रांसलेट कंस्ट्रक्ट द इंग्लिश एंड हिंदी, तो इंग्लिश का ही माना जाएगा सेट का। तो ये हो गया मेकिंग, आपको ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेंगे, फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्सिबल 2 मार्क्स का रहेगा। निगेटिव मार्क यहाँ पर नहीं है, नो मार्क्स विल गिवन ऑन आंसर का, जो नहीं दिए उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये तो बेसिक चीज़ है, आप सब लोग जानते हैं, अगर नेट की एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन रिजल्ट होगा, उसके अनुसार आपको किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट रहा, 40% डिसेबिलिटी के लिए रहेगा। ये देखिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि आपको जनरल कैटेगरी है तो आपको 1150 रुपये लगेगा, फ़ी बहुत ज़्यादा है, देख लीजिएगा। और जनरल EWS बैकवर्ड क्लास लर्न के लिए मिले के हैं, HP के हैं, तो आपको 600 रुपये लगेगा। और SST HP के जो हैं, OBC BPL हैं, जो भी हैं, HP के हैं, उन्हीं के लिए 325 रुपये लगेंगे। तो फी काफ़ी हाई है जनरल के लिए, देख लीजिए आप, अप्लाई कीजिए। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा यहाँ पर, एलिजिबल कैंडिडेट जो है डेबिट कार्ड से आप अप्लाई कर पे कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। स्टेट एलिबिलिटी टेस्ट में जाकर मैं लिंक में इसका लिंक भी डाल दूँगा इनबॉक्स में, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये रहा जनरल इंस्ट्रक्शन, पूरा यहाँ पर डिटेल्स में अवेलेबल है, यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। अदर कंडीशन भी है यहाँ पर, तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया, जो और कुछ दिखाई देगा चेक एक बार करेक्शन कर लीजिएगा कि आप किस में भरे हैं, कहाँ अप्लाई किए हैं। और अदर स्टेट के जो हैं वो अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो वो जनरल में ही काउंट होंगे, वहाँ का इनका रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, ये बात का ख्याल रखिए। चाहे SC ST OBC कैंडिडेट हो तो कोई उसे कोई मतलब नहीं है, आप जनरल में काउंट होंगे। तो ये रहा सेट से रिलेटेड अपडेट। अब मैं यहाँ इस पर PhD से रिलेटेड भी और UGC नेट से रिलेटेड भी अपडेट लेते आता रहता हूँ, तो देखते रहिए। इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग स्किल डायरेक्शन।